एक बड़ी खबर जैसलमेर से सामने आ रही है, जहां पर जेडीए क्वार्टर में छत का प्लास्टर गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से बता रहे हैं, जेडीए क्वार्टर की छत का प्लास्टर नीचे गिरा है। 538 की अचानक छत का प्लास्टर गिरा है। पटवारी पूजा शर्मा का यह सरकारी क्वार्टर है। इस दौरान पटवारी पूजा शर्मा वहां पर मौजूद थी और मौजूद नहीं थी, 2 मिनट पहले ही इस कमरे से बाहर निकली थी, जिसके बाद पूजा शर्मा इस बड़े हादसे से बच गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को उन्होंने कई बार लिख दिया था, समय पर ध्यान नहीं दिया गया और ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। 2 मिनट पहले ही पूजा शर्मा इस कमरे से बाहर निकली थी, 538, और इस दौरान उनकी 3 साल की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी और एक बड़ा हादसा टल गया है। तो जैसलमेर से ये बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास फोन लाइन पर जुड़े हुए। श्रीकांत, बताया जा रहा है उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, अगर 2 मिनट की चूक होती तो आज एक बड़ा हादसा हो जाता। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में जो है लगातार विपर्जय को लेकर एक और अलर्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी और सरकारी क्वार्टर की तरह जो छत गिरी है, जीएडी कॉलोनी में स्थित एक सरकारी क्वार्टर जो है उसके छत का जो प्लास्टर था वो गिर गया। हालांकि हादसा जो था वो टल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर के सम रोड स्थित जीएडी क्वार्टर नंबर 538 की अचानक जो है वो छत प्लास्टर गिर गई और जो पटवारी है, महिला पटवारी पूजा शर्मा, उनकी 3 साल की बच्ची भी उनके साथ थी और वो लोग 2 मिनट पहले ही जो है कमरे से बाहर निकले थे, जिसके बाद उनकी जो है छत गई और हालांकि उनकी जान बच गई, वो बाहर निकल चुके थे, वरना बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना थी। क्वार्टर की मरम्मत के लिए कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा गया, ऐसी भी जानकारी मिली है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस तरह की लापरवाही से किसी की जान जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? पीडब्ल्यूडी विभाग को इस जीएडी कॉलोनी के क्वार्टर को जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए था। जब इतना पत्राचार उनके द्वारा जिस तरह कहा जा रहा है कि पत्राचार किया गया था, तो फिर विभाग के अधिकारी कहां सो रहे थे? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो थे हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास जो जैसलमेर से जानकारी दे रहे थे। तो पटवारी पूजा शर्मा, उनकी 3 वर्षीय बेटी उनके साथ थी, लेकिन 2 मिनट पहले वो कमरे से बाहर निकले तभी ये हादसा हुआ, तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।